हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं रीनू सिंह और आज है डे 8 नोज ट्यूटोरियल का। तो इसमें हम एक सिंपल सी नोज बनाने वाले हैं, कोई ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ की है। तो कुछ इस तरीके से हमने चार लाइन कर लिए हैं, बीच वाली को हमने कुछ यू शेप में कर लिया है और साइड वाली को हमने इस तरीके से कर्व में चेंज कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो शेप लेनी है या जितना पोर्शन हमें दिखाना है वहाँ पर बना लेंगे। और मैंने थोड़ा सा साइड नोज़ बनाई है, तो इधर का पोर्शन उस राइट साइड की अपेक्षा लेफ्ट साइड का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब जो हमारी नॉर्मल शेप है, जो भी हम शेप देना चाह रहे हैं नोज़ की, हम वो दे लेंगे। और कुछ इस तरीके से मैंने गाइडलाइन यूज़ की है। इसके बाद अब यहाँ पर बस मैं ये थोड़ी सी गाइडलाइन अपने लिए तैयार कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर डार्क दिखाना है और कहाँ पर मुझे लाइट शेड दिखाना है, तो उस एरिया को मैं छोड़ रही हूँ। तो अब हम गाइडलाइन जो हमने की थी हम उसको इरेज कर लेंगे। और अब स्टार्ट करेंगे शेडिंग एंड ब्लेंडिंग। तो इसमें मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, ये चारकोल पाउडर है और इसमें हमने कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग स्टंप को यूज़ किया है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। Thank you.
तो अब लगभग मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब बारी है कॉर्नर्स को इरेज करने की। तो ऐसे इरेज करने के बाद कुछ प्रिंट जैसा लुक आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे ही इरेज करती हूँ। तो हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।